हेलो स्टूडेंट्स सो आई एम अगेन बैक विद पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर फाइव द दिल्ली सल्तनेट सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव सीन पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर इफ नॉट डू वॉच इट सो स्टूडेंट टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन पार्ट वन विल स्टार्ट पार्ट टू विद इकोनॉमिक मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी ने क्या इकोनॉमिक मेजर्स लिए वो हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन वॉन्टेड टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अ लो कॉस्ट अलाउद्दीन की इच्छा थी कि उसके पास एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हो पर एक लो कॉस्ट में मतलब कम खर्चे में कम कॉस्ट में टू तो अचीव दिस इसको अचीव करने के लिए अलाउद्दीन ने बहुत सारे चेंजेस किए अपने टैक्जेशन सिस्टम ने किस टैक्सेशन सिस्टम में वो जो टैक्स कलेक्शन का उसका सिस्टम था उसको चेंज किया सो दैट ही कैन मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो कॉस्ट तो उसने कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे पहला काम जो किया वो था कि देखो बिफोर इकोनॉमी इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली बेटा काय पे डिपेंड करती थी हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे तो जो लैंड रेवेन्यू था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स था इनकम का किसी भी एम्पायर के लिए राजा के पास कोई गेल एन टी पी सी रेलवे इस तो थी नहीं तो उनकी जो इनकम थी वो कहाँ से आती थी बच्चा एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगा के लैंड के ऊपर रेवेन्यू लगा के है ना तो एम्पायर के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था बच्चा लैंड रेवेन्यू अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर्ड द मेजरमेंट ऑफ ऑल लैंड अंडर कल्टीवेशन उसने क्या बोला जितनी भी लैंड के ऊपर अभी कल्टीवेशन हो रहा है उस सबको क्या करो मेजर करो नाप लो मेजर करो मतलब नाप लो इट वॉज इन टू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी और जमीनों को अलग अलग डिवाइड कर दो उनकी फर्टिलिटी के हिसाब से फर्टिलिटी मतलब देखो बच्चा कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिन पे आप कुछ भी ग्रो करो बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रो होता है और कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप बहुत मेहनत भी कर लें तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से ग्रो नहीं होगा तो हर सॉइल की अपनी फर्टिलिटी होती है तो फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग उसने जमीनों को

तो लैंड बिटवीन गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो रीजन था जो कि बहुत फर्टाइल था उसे क्या बोला दिया टू वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस आप जितना भी प्रोड्यूस करेंगे सपोज करो आपने हंड्रेड क्विंटल प्रोड्यूस किया तो इसका वन हाफ कितना हो जाएगा बच्चा फिफ्टी मतलब फिफ्टी आपको एम्पायर को देना है और फिफ्टी आपको अपने पास रख लेना है ठीक कोई बात हार्श ऑन टैक्स ये जो लैंड टैक्स था ये किसानों के ऊपर बहुत हार्श हुआ है ना आपने इतनी मेहनत की और आपने हाफ किंग को दे दिया तो कोई भी पीजेंट कोई भी किसान इस बात से खुश नहीं था यू ऑल्सो इंश्योर डेट पीजेंट पे द रेवेन्यू डायरेक्टली टू द किंग और अलाउद्दीन ने ऐसे अरेंजमेंट करवाए कि कोई मिडिल नहीं रखा जो भी पीजेंट था वो अपना टैक्स सीधे किसको देता था, था किंग को दी इज वीक द पोजिशन ऑफ मिडिल मैन जितने भी मिडिल मैन थे पहले हर बार क्या होता था राजा एक जमींदार रखेगा जमींदार किसानों से टैक्स लेगा फिर किसको देगा किंग को देगा पर अलाउद्दीन ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया उसने डायरेक्ट पीजन से टैक्स कलेक्ट करवाए है ना सीधे टैक्स कलेक्ट किसके पास हुए किंग के पास इसी ये जो मिडिल मैन थे ये वीक हो गए ठीक कोई बात चलो अब अपने ऑफिसर्स पे चेक रखने के लिए क्या किया उसने टू कीप च ऑन इज ऑफिसर एंड टू डिस करप्शन करप्शन मतलब भ्रष्टाचार ना हो है ना करप्शन ना हो कुछ भी इलीगल ना हो उसने अपने ऑफिसर पर पूरा चेक रखा अलाउद्दीन ने क्या किया बच्चा इंट्रोड्यूस दिस्टम ऑफ गेटिंग द अंट ऑफ इज ऑफिसर ऑडिटेड हर ऑफिसर जो अकाउंट बनाता था उनको ऑडिट कराने की बात कही ऑडिट मतलब सपोज करो मैंने अकाउंट लिखे हैं कि मुझे यहाँ से इतना पैसा मिला यहाँ से इतना पैसा मिला तो एक दूसरा व्यक्ति आएगा वो इन अकाउंट्स को क्या करेगा बेटा चेक कि जो भी कुछ मैंने लिखा है वो सब सही लिखा है कि नहीं लिखा कई बार वो फार्मर से जाके क्रॉस चेक भी करेगा तो अकाउंट को ऑडिट करवाया अकाउंट को ऑडिट क्यों करवाया क्योंकि वो अपने किंगडम में अपने एम्पायर में करप्शन नहीं चाहता था ठीक है बार तो फॉर डिकरेजिंग करप्शन ही मेड द द सेटलमेंट के अकाउंट ऑफ़ एवरी ऑफिसर इज ऑडिटेड जितने भी ऑफिसर होंगे उनके अकाउंट को आपको ऑडिट कराना पड़ेगा उसके बाद ही आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं ठीक की बात अगर कोई गलती यहाँ पर पकड़ाई आ गई तो तो आपकी पोजीशन गई और आपको पनिशमेंट मिलेगी तो हर ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी था कि वो अपने अकाउंट को ऑडिट कराएं दिस सिस्टम वॉज लेटर लेटर फॉलोअ बाय शेरशाह चूरी एंड मुगल एम्पर अकबर और इसी सिस्टम को ये जो सिस्टम था कि आपको अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ेंगे ये बाद में शेरशाह चूरी ने भी फॉलो किया और मुग़ल एम्पर अकबर ने भी ठीक है बात तो अकाउंट को ऑडिट करने का जो सिस्टम था वो मुग़ल एम्पर अकबर ने भी फॉलो किया और शेरशाह चूरी ने भी फॉलो किया मो टू नो सेक्शन में किसकी बात हुई बच्चा जियाउद्दीन बरोनी की बात हुई है इनकी बुक थी तारीख़ फ़िरोज शाही तारिक फिरोज शाही किसकी बुक है जियाउद्दीन बरोनी की बुक है हैज रिकॉर्डेड प्राइजेज़ ऑफ मेनी आइटम्स डेली यूज ड्यूरिंग द अर्ली फोटीन सेंचुरी उन्होंने बहुत सारे आइटम्स के प्राइजेस को लिखा है फ़ोटीन सेंचुरी के अगर आप दिल्ली में रह रहे होते उस टाइम मिलान खिलजी के टाइम में तो यू कुड बाई नाइन्टी सिक्स किलोग्राम्स ऑफ व्हीट वन किलोग्राम फ़ोर किलोग्राम्स ऑफ राइस एंड वन किलोग्राम किलोग्राम्स ऑफ बार्ले फॉर आ टंका इक्विलेंट टू सिल्वर रुपी एक सिल्वर रुपी के बराबर में जो टंका होता है अगर आपके पास एक टंका है तो आप वन एटी किलोग्राम बार्ले वन फोर्टी फोर किलोग्राम राइस नाइन्टी सिक्स किलोग्राम बीट बाय कर सकते थे और ये प्राइस कंट्रोल किसने करा रखा था बच्चा अलाउद्दीन खिलजी ने ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है फिरोज शाही से कौन सी बुक तारीख फिरोज शाही लिखने वाले कौन है ऑडिट तो, तो कराना है काम हो गया उसके बाद उसने दुआव रीजन में क्या भी किया था बेटा टैक्स बढ़ा दिए थे वन हाफ कर दिए थे टैक्सेस इसके अलावा जो तीसरा काम किया वो क्या था स्ट्रिक्ट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ठीक है जितनी भी एसेंशियल कमोडिटी थी जैसे कि ग्रीनस आनाज, शुगर कुकिंग ऑयल, क्लॉथ इनके जो प्राइजेस थे वो लोअर रख रखे थे बहुत कम मतलब मार्केट में हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते कि जो प्राइस रख दिया ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मार्केट ही हैज कंट्रोलिंग ऑल एसेंशियल कमोडिटी प्राइजेस लाइक द प्राइजेस ऑफ ग्रीन शुगर केन कुकिंग ऑयल एंड क्लॉथ एंड सो ऑन ओके इतनी सारी चीजों के प्राइस पे पूरा कंट्रोल था ठीक है शॉप आज फिक्स्ड उसने स्पेशल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर रखे थे जो शॉप ओनर पे क्या रखते थे बेटा चेक रखते थे ठीक है अगर गलती से कोई पकड़ा गया एक्स्ट्रा चार्ज लेते हुए या वेट में चीटिंग करते हुए तो आप लोगों ने नायक मूवी देखी होगी ना उसमें दिखाते हैं कि वो एक ऐसा एक पैन रहता है जिससे वो तेल नापता है वो आड़ा टेढ़ा रहता है तो बोलता है कि ये पैन किसी काम का नहीं है तो वैसे ही अगर आप वेट करते टाइम चीटिंग करते पाए गए आपने थोड़ा भी लिटिल एक्स्ट्रा चार्ज किया तो आपको सवली पनिश किया जाएगा ठीक है आपको बख्शा नहीं जाएगा आपको बहुत पनिशमेंट मिलेगी दिस आइडिया ऑफ मेकिंग चीपर ये जो आइडिया था अलाउद्दीन का कि जितनी भी इसेंशियल कमोडिटी है उनका प्राइस कंट्रोल में रखो सस्ता रखो इससे वो लार्ज आर्मी को लिमिटेड रिसोर्सेज में मेंटेन कर पाया क्योंकि आर्मी को थोड़ी बात भी अगर हमने सैलरी दी तो उस थोड़ी सैलरी से वो अपनी जो डेली नीड की चीज़ें हैं वो मार्केट से सस्ते दामों पर खरीद लाते और इस तरीके से अलाउद्दीन का काम भी हो गया और आर्मी भी उसने मेनटेन रख ली एम आई क्लियर हेयर

बिल्कुल जो कॉमन लग्जरी थी इवन पान चबाना ऐसी चीजें भी लोगों ने कम कर दी क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचा था ये जो पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिलजी की उसने बहुत सारे लोगों को गर, गरीब बना दिया बरौनी के अकॉर्डिंग कोई सिल्वर कोई गोल्ड कोई जिंताल या कोई सुपरफ्लूस कमोडिटी तो कारण बन ही नहीं पाई रिवालियन का क्योंकि हिंदुओं के घरों में इवन छोटी छोटी लग्जरी पान वो तक ख़त्म था वो उससे भी डिफ्राइब कर रहे थे वो चीज़ें भी उनके घरों में ख़त्म कर दी किससे ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल से। अब आर्मी में क्या क्या रिफॉर्म किए बेटा अलाउद्दीन पेड ए शोल्जर इन कैश अलाउद्दीन ने अपने शोल्डर्स को कैसी पेमेंट की बच्चा कैश में की उसने हॉर्सेस की ब्रांडिंग शुरुआत कर दी जिसको दाग बोला गया मतलब एक ओ, ऐसे आयरन का सील बनाई जाती है उसको गर्म करके हॉर्स के ऊपर लगा दी जाती जिससे हॉर्स के ऊपर निशान आ जाता और फिर हॉर्स चेंज नहीं होते मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी के गुड क्वालिटी के हॉर्सेस थे वो इंफीरियर से एक्सचेंज ना हो जाए इसीलिए उसने ब्रांडिंग करा दी हॉर्स की जो भी शोल्जर्स होते हैं उनका पूरा चेहरा पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता जिससे उसके जो शोल्डर्स हैं वो भी एक्सचेंज ना हो तो पहला काम किया शोल्डर्स को कैश में सैलरी दी हॉर से इसकी ब्रांडिंग कर दी तीसरा काम पूरे शोल्जर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन रखा बेटा अलाउद्दीन के डेथ के बाद शुरू हो गया ठीक है अलाउद्दीन के बाद दूसरा नेक्स्ट राजा कौन बनेगा इसके लिए लोग आपस में लड़ने लगे द लास्ट खिलजी रूलर वॉज खुशरो मलिक लास्ट खिलजी रूलर कौन था खुशरो मलिक वन मार्कर क्वेश्चन है बेटा लास्ट खिलजी रूलर तो क्या बोलोगे खुशरो मलिक खियासुद्दीन डिफिटवड हिम एंड स्टार्टेड तुगलक डायनेस्टी तो ये जो खुशरो थे खुशरो मलिक इनको हरा दिया गयासुद्दीन ने और किसकी स्टार्ट कर किसके स्टार्ट किया तुगलक डायनेस्टी को ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे क्विक क्विज तो हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन थे बच्चा खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर जलालुद्दीन खिलजी कौन थे बच्चा जलालुद्दीन खिलजी हु टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन अली गुर्सअ किसने लिया टाइटल अलाउद्दीन खिलजी का अली गुर्सफ ने फर्स्ट रूलर खिलजी डायनेस्टी के कौन थे जलालुद्दीन खिलजी कौन थे बच्चा जलालुद्दीन खिलजी अली गुर्सअ ने टाइटल लिया था अलाउद्दीन का ठीक है अलाउद्दीन खिलजी का किसने डिफीट किया यादवास को तो मलिक काफुर ने किया पर मलिक काफुर को भेजा किसने था अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर ने यादवों को हराया पर मलिक काफूर को भेजने वाले कौन थे अलाउद्दीन थे ठीक है अलाउद्दीन रेज द टैक्स इन दुआब रीजन ट्रू और फॉल्स तो आएगा बिल्कुल ट्रू बिल्कुल सही बात है अलाउद्दीन ने किया था और कितना तक कर दिया था नहीं 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 वन थर्ड तो नहीं बेटा वो तो वन हाफ था अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इन दुआब रीजन टू वन थर्ड वन थर्ड नहीं वन हाफ तक किया था तो ये फॉल्स आएगा दो आप रीजन में टैक्स तो अलाउती नहीं लगाया था पर वन नहीं था था नेम लास्ट रूलर तो वो कौन थे खुसरो मलिक कौन थे खुसरो मलिक ठीक बात आगे अब हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी को जो तुगलक डायनेस्टी थी वो थर्टीन ट्वेंटी में शुरू हुई और फोर्टीन फोर्टी में खत्म हुई लगभग पूरे हंड्रेड ईयर रूल करने वाली थी हमारी तुगलक डायनेस्टी पावरफुल सुल्तान की अगर हम बात करें तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और शाह तुगलक कौन थे बच्चा मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोशा तुगलक ये दो पावरफुल सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के गियासुद्दीन तुगलक ने कब से कब तक रूल किया थर्टीन ट्वेंटी से थर्टीन ट्वेंटी फाइव से फाइव ईयर ही रूल कर पाए हमारे ग्यासुद्दीन तुगलक ग्यासुद्दीन फर्स्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के बहुत ही एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने सल्तनत को कंसुलाइडेट किया और जितना भी रिबेलियन हो रहा था विद्रोह लोग कर रहे थे उस सब को सप्रेस किया इनको सक्सीड किया जौना खान ने और जौना खान ने बाद में किसका टाइटल ले लिया बच्चा मोहम्मद बिन तुगलक का ठीक कोई बात चलें तो तुगलक डायनेस्टी को शुरू करने वाले कौन थे गियासुद्दीन तुगलक इन्होंने पूरे एम्पायर को कंसुलाइडेट किया सल्तनत को और इनको सक्सीड किया जौना खान ने जोना खान ने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक और हमारे गयासुद्दीन तुगलक से कितने ईयर रूल कर पाए फाइव ईयर मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पावरफुल रूलर थे इब्न बतूता लिखते हैं <coughs> इब्न बतूता लिखते हैं डिटेल में किसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही टेल्स द सुल्तान हैड ग्रेट आइडियाज एंड प्लान्स बड़े महान महान आइडिया थे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद पर वो फेल हो जाता था क्योंकि कॉमन लोग उसके आइडियाज को समझ ही नहीं पाते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक एक महान राजा था जिसके पास महान आइडियाज थे बट द थिंग इज दैट एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता था एंड समर कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू गेट द आइडिया प्रॉपरली हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं इस ओपिनियन पे कि मोहम्मद बिन तुगलक अच्छे थे कि बुरे थे एक कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर था मिक्सचर ऑफ अपोजिट कुछ लोग कहते थे बहुत ही जनरस है कुछ लोग कहते थे बहुत ही है कुछ लोग बोलते थे अच्छा भला व्यक्ति कुछ लोग बोलते नहीं बहुत ही दुष्ट है कुछ बोलते थे हम्बल है कुछ बोलते थे बहुत ही गुस्सेल है कुछ बोलते थे नरम दिल है कुछ बोलते थे बहुत ही गुस्सेल है <coughs> तो मतलब एक प्रॉपर आइडिया लगाना कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसे थे हिस्टोरियन भी नहीं कर पाए कुछ कहते थे जनरस है कुछ बोलते थे क्रूअल है कुछ बोलते थे हम्बल है कुछ बोलते थे एरोगेंट है बहुत सारे लोगों का मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत आगे की सोच लेते थे उनके प्रोजेक्ट वेल कंसीव थे बट पुअरली एग्जीक्यूटेक्यूशन वेरी पुअर देखो आप कोई भी प्लान करो मैं बिल्कुल मेरा प्लान है कि मैं इस बार नाइनटी नाइन परसेंट बनाऊँगी एग्जाम में पर वो प्लान जब तक आपका प्लान तो नो no डाउट बहुत बढ़िया है पर इस प्लान पे आपको डे बाय डे काम करना पड़ेगा बच्चा है ना हर दिन आपको कुछ ना कुछ इस प्लान को अचीव करने के लिए करना पड़ेगा तब आप अचीव कर पाओगे तो इनके प्लान बैंड कंसीव तो थे बट एग्जीक्यूट नहीं होते थे चलो तो अब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ेंगे जो कि इम और अनपॉपुलर साबित हुए जो ये किसने थे मोहम्मद बिन तुगलक ने पहला टैक्सेशन इन दुआब मोहम्मद वांटेड टू एक्सपांड इज एम्पायर मोहम्मद अपने ओ, एरिया को एक्सपांड करना चाहता था कॉन्क्वेस्ट के थ्रू इसके लिए उसे लार्ज आर्मी चाहिए थी ठीक है अब लार्ज आर्मी के लिए क्या चाहिए बच्चा ज़्यादा पैसे चाहिए तो सुल्तान ने दुआब रीजन में टैक्सेस बढ़ा दिए अब उसी टाइम दुआब रीज़न में एक भुखमरी आ गई बहुत बड़ी ठीक है तो ऐसे टाइम में जब लोगों के पास खाने पीने कोई कुछ नहीं है अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो ये मिस्टेक होगी कि नहीं होगी होगी ना तो लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे मिनी पीजेंट्स अब एन नंदरलैंड बहुत सारे किसान अपनी ज़मीनें छोड़ छोड़ के चले गए और कुछ ने रिवोल्ट भी कर दिया विथ्रो कर दिया अल्टीमेटली सुल्तान को डिसीज़न विड्रॉ करना पड़ा तो पहला डिसीजन था दुआब रीजन में टैक्स लगा देना इन द टाइम ऑफ फेमाइन दूसरा था शिफ्ट ऑफ कैपिटल 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि दिल्ली से हमें कहाँ पहुँचना चाहिए देवगिरी जिस देवगिरी को बाद में उसने क्या नाम दे दिया दौलत आबाद ठीक है बात तो मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू तो शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू तो दौलताबाद दौलताबाद का पुराना नाम क्या था देवगिरी अच्छा क्यों शिफ्ट करना चाहता था बट वॉज द बेसिक रीज़न बिहाइंड हिज शिफ्ट द सुल्तान को ऐसे लगा कि तो अगर मुझे डेक्कन को भी एडमिनिस्टर करना है और इंडिया को और बेटर तरीके से एडमिनिस्टर करना है तो दौलत आबाद एक अच्छी लोकेशन होगी क्योंकि वो उसके एम्पायर के सेंटर में थी ठीक है सो द सोल पर्पज़ ऑफ़ शिफ्टिंग कैपिटल इज़ टू अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दौलत आबाद इज़ इन देंटर ऑफ़ द एम्पायर अंस्टेंट थ्रेट टू डेली दौलत आबाद द सुल्तान थाट वुड बी सेफ फ्राम अटैक बिकॉज अगेन एंड अगेन मंगोल्स वर देर टू अटैक ऑन डेली सो ही थाट इफ आई एम गोइंग टू शिफ्ट दौलतबाद तो आई एम गोइंग टू सेफ माई किंगडम सेफ माई पीपल सेफ माई सेल्फ मैं अपने आप को सेफ रख पाऊँगा अगर मैं दिल्ली से कहाँ पहुँच जाऊँगा दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी पॉपुलेशन को ऑर्डर दिया चलाओ दिल्ली से दौलताबाद लोग अपने घर को तुम सोचो ना बच्चे तुमको तुम्हारा घर छोड़ने को बोले तो क्या तुम छोड़ोगे नहीं ना तो लोगों को उनका घर छोड़ना पड़ा सुल्तान का ऑर्डर तो मानना ही था ना हाउएवर सुल्तान को जल्दी समझ में आ गया कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि नदर फ्रंटियर्स पर दौलताबाद से नजर रखी जाए ये पहले सोचना चाहिए तो जब उसने लोगों को भरी गर्मी में परेशान करता हुआ दौलताबाद ले आया आधे लोग रास्ते में ही मर गए गर्मी से है ना फिर उसको लगा कि अरे यार यहाँ से तो नॉर्थ में मैं प्रॉपर कंट्रोल ही नहीं, नहीं रख पाऊंगा तो ये तो गलत था तो उसने रीशिफ्ट कर दी फिर से कैपिटल को रीशिफ्ट कर दिया ये जो था दौलताबाद से वापस दिल्ली आना ये अच्छा डिसीजन था क्या नहीं बेटा बिल्कुल नहीं था द फेलियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट अफेक्टेड द प्रस्टीज ऑफ द एम्पायर और इस तरह एम्पायर की प्रस्टीज और ज़्यादा नीचे की तरफ गिर गई द किंगडम्स ऑफ डॉ दस और डक्कन के लोगों ने इससे क्या अनुमान लगाया कि भैया ये, ये राजा तो सन की टाइप का है हीजेकिंग विज ओन डिस इज अ वेरी वीक सुल्तान सो दे और दे ट्राई टू बी फ्री उन्होंने बोल दिया अब तो हम इंडिपेंडेंट बन जाएंगे क्योंकि सुल्तान में इतनी दमी नहीं है बहुत ही वीक सुल्तान है तो वो सब इंडिपेंडेंस चाहने लग गए अभी तो एक डिसीजन और है जो भी पागलपन से भरा हुआ है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी इन थर्टीन ट्वेंटी नाइन थर्टीन ट्वेंटी नाइन में उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया थर्टीन ट्वेंटी नाइन में क्या क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की अच्छा क्यों इंट्रोड्यूस की है देखते हैं कुछ स्टोरियंस का बिलीव था कि मोहम्मद बिन तुगलक का प्लान था कि वो सेंट्रल एशिया को कॉन्क्वेस्ट करे उसी लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था दूसरा बिलीव कि वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो गई थी सिल्वर की इस टाइम में इसीलिए इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की सुल्तान ने क्या इशू कर दिए टोकन कोई किसके ब्रास के और कॉपर के फॉर डे टू डे यूज डे टू डे यूज के लिए उसने कॉपर और ब्रास की करेंसी इशू कर दी दिस कॉइन हैड द सेम वैल्यू एज प्योर सिल्वर कॉइन अब सोचो जरा बेटा ये कॉपर और ब्रास की जो कॉइन है उसकी वैल्यू किसके कॉइन के बराबर कर दी सिल्वर कॉइन की वैल्यू के बराबर कर दी फर्दर दे कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन और क्या बोल दिया कि आप ये कॉपर और ब्रास के कॉइन सिल्वर कॉइन में सिल्वर कॉइन से क्या कर सकते हो एक्सचेंज कर सकते हो किसी भी रॉयल ट्रेजरी सब सोचो कितना मूर्ख था तुम्हारे पास से एक प्रीशियस कमोडिटी जा रही है सिल्वर रॉयल ट्रेजरी में क्या आते हैं सिल्वर कॉइन तो क्या बोला कि तुम कॉपर ब्रास के कॉइन ले आओ और सिल्वर से एक्सचेंज करवा रहे हो मोहम्मद हाउेवर फेल टू चेक द काउंटर फिटिंग लोग अपने घर बैठ के सबके घरों में कॉपर होता ही है ब्रास होता है सब लोग घर बैठ के सिक्के बनाने लग गए और बेटे इन सिक्कों को कॉपी करना कोई बड़ी मुश्किल बात थोड़ी ना थी ये जो सिक्के थे ये इजिली कॉपी हो रहे थे कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी लोगों ने घरों घर करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया और मोहम्मद का ये 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 भी फेल हो गया आइडिया भी जिसे मैंने काउंटर कहा उसे क्या बोलते हैं बच्चा इलीगल मिंटिंग ऑफ कॉइन घरों घर कॉइन बनने लग गए कॉइन के ऊपर डिज़ाइन भी बहुत सिंपल था ऑर्डनरी क्राफ्ट पर्सन उसको कॉपी कर पा रहे थे देखो ब्रास और कॉपर दोनों इजीली अवेलेबल हो जाता है सिल्वर से चीपर भी है तो लोगों ने ब्रास और कॉपर ख़रीदा बल्क में और कॉइन बनाने चालू कर दिए अपने घरों में और किंगडम में फ्लड आ गई ये फोर्स नकली कॉइन की मनी की धीरे धीरे वैल्यू पूरी खत्म हो गई इस पर एक बहुत अच्छी मूवी है इंग्लिश मूवी है काउंटर ज़रूर देखना तो ट्रेड सफ़र करने लगा मर्चेंट ने पेमेंट लेने से मना कर दिया आप सोचो ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास हाथों में जो पैसा है उसकी वैल्यू खत्म हो जाए तो ट्रेड सफर होगा हर व्यक्ति अपना सामान बेचेगा नहीं क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास जो करेंसी आएगी मेरे सामान के अगेंस्ट में वो किसी यूज़ की ही नहीं रहेगी तो क्या होगा हमारी इकोनॉमी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ बेटा ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हुआ सुल्तान टू गिव सिल्वर कॉइन इन एक्सचेंज ऑफ द फोर्ज वन और क्या बोला था कि आप जो भी रॉयल ट्रेजरी से सिल्वर कॉइन के बदले में आपके कॉइन एक्सचेंज करा सकते हैं तो लोगों ने भर भर के ट्रेजरी में ये कॉपर ब्रास ब्रासकॉन लाए कॉइन लाए और सिल्वर कॉइन लेके चले गए इस तरीके से राष्ट्रीय ख़जाना कर, जो राजा था उसका ख़जाना खाली हो गया और फिर इस एक्सपेरिमेंट को भी विड्रॉ किया बरौनी रोड दिप्स ऑफ ब्रॉन्उंटेन्स नियर तुगलक कागलकाबाद तुगलकाबाद के पास में ऐसे बड़े बड़े हीप बन गए ढेर बन गए वो क्वाइंस के कॉपर और ब्रास टोकन करेंसी के जियो वैल्यू लेस थे ठीक है ना खुशरोक्सपीडिशन खुशरान एक्सपीडिशन कौन सा एक्सपीडिशन पढ़ेंगे बच्चा हम खुरासान एक्पटिशन तो क्या था ये खुरासान एक्सपिडिशन टू तो एक्सपांड द एम्पायर अपनी एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि मैं सेंट्रल एशियन के खुरा सेंट्रल एशिया के खुरासान पे अटैक करूँगा उसने अपनी आर्मी बढ़ा ली आर्मी पे खूब खर्चा किया वेपन्स लिए वॉर सप्लाईज दी स्टूडेंट वन यू हैव आर्मी इट रिक्वायर टू टाइम्स फूड weapons salary so it's a huge task to have an army so he started raising the army to attack on the khurasan uh, the soldiers were given one year salary in advance as an incentive in the form of incentive he has given a huge amount of money to yes so think about uh, the advance salary advance he has given salary in advance for the entire one year he has to attack on kurasan Khura, Khuras, um, central asia after a year he started maintaining the army giving them weapons before a year even he has given advance salary to everyone the soldiers were also given one year salary in advance as an incentive the expedition was abandoned because Muhammad realized डिफिकल्टीज हिज आर्मी वुड वेस इन एलियन लैंड हे भगवान बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगता है कि मेरी आर्मी जब एलियन लैंड पे जाएगी मतलब सेंट्रल एशिया में जाएगी खुरासान लड़ने तो उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टी होंगी तब तो एक काम करता हूँ मैं इस एक्सपिडिशन को रोक देता हूँ अब कोई अटैक नहीं होगा सेंट्रल एशिया के खुराशान पर और जितने भी सोल्जर्स उसने रिक्रूट किए थे उस सबको डिसबैंड कर लिया अब सोचो पूरे वन ईयर का कितना सारा खर्चा आया होगा उन सोल्जर्स को मेंटेन करने का जो सैलरी उनको एडवांस में दे दी वो भी गई और फिर एक्सपेडिशन भी नहीं किया अरे भैया एक्सपेडिशन तो करता हारता ही इससे ज़्यादा क्या होता पर ठीक है इसी को तो कहते हैं तुगला की फरमान मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे ही थे फिर कराची एक्सपेडिशन क्या हुआ कराची एक्सपेडिशन में टू सिक्योर नदन फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनेट सल्तनीत को नदन नॉर्थ साइड से सिक्योर करने के लिए मोहम्मद ने अपनी आर्मी को कांगरा रीजन में भेज दिया कांगरा रीजन बोले तो आज का हिमाचल प्रदेश पर उस रीजन को जीतने के बाद ऐसा लगा कि द आर्मी प्रोसीडेड टूवर्ड्स तिब्बत कि आर्मी को तो कांगरा के बाद कहाँ पहुंची आर्मी तिब्बत पहुंची तिब्बत बहुत ही ठंडा रीज़न है बच्चा तो यहाँ पर बहुत सफरिंग हुई आर्मी को हैवी क्वजैल्टीज़ हुई क्योंकि माउंटेन रीज़न था हैवी रेन हो रही थी देखो हमारे जो लोग हैं उनको इतनी ठंड की आदत नहीं तो ठंड के साथ साथ माउंटेनियर रीज़न पे आपको चढ़ाई करना है बारिश भी शुरू हो गई तो उसकी जो आर्मी थी उसमें हैवी कोजैल्टीज़ हुई किसी के पैर में लग गई किसी के हाथ में लग गई किसी को बुखार आ गया अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बरवानी ओनली अ हैंडफुल सोल्जर्स रिटर्न फ्रॉम दिस एक्सपीडिशन बरौनी ने लिखा है कि जितने लोग गए थे उसमें से गिने चुने लोग वापस आए इस एक्सपीडिशन के बाद और इतने सारे गलत डिसीजन लेने के बाद तुमको क्या लगता है मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पॉपुलर हो गया होगा नहीं बिल्कुल अनपॉपुलर हो गया अपनी स्कीम्स ही लॉज द ट्रस्ट ऑफ नॉवेल्स नॉवल का उस पर ट्रस्ट नहीं रहा उलेमा एंड द कॉमन उलेमा का ट्रस्ट नहीं रहा नॉबल का ट्रस्ट नहीं रहा कॉमन पीपल उस पर विश्वास नहीं करते कि भैया तुम तो सोचो ही मत बहुत ही बुरा सोचते हो जो सोचते हो रिवोल्ट होने लगे बंगाल में गुजरात में वरंगल में दो पावरफुल रीजन्स इस टाइम में बन के निकले एक था विजयनगर एम्पायर और दूसरा था बहमनी एम्पायर साउथ इंडिया में बिकॉज ऑफ सो मैनी रॉन्ग डिसीजनस टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक

इसके वीक होने से डेक्कन में साउथ इंडिया में दो नई एम्पायर बनी एक का नाम था तो विजयनगर और दूसरी थी बर्मनी नाउ फिरोज शाह तुगलक अगर बच्चा हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 मतलब इनकी डेथ हुई तो रूल किसने स्टार्ट किया फिरोज शाह तुगलक ने कब तक रूल किया 1388 30 ईयर रूल करा 35 फाइव ईयर रूल किया है ना ज़्यादा ही अब 88 से 51 माइनस कर लो कितना आएगा सेवन

and even he has to to have a support of nobles, ulema, common people. if they are going to take out their support, no king will remain the king. तो so, ये बात फिरोज शाह तुगलब को समझ में आ गई थी कि भाई ये अपनी एम्पायर को कंसोलीडेट नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास नॉवल का सपोर्ट नहीं था ओलेमा का सपोर्ट नहीं था तो फिरोज शाह ने डिसाइड किया कि पहले तो वो जीतेगा ओलेमा को नॉवेल्स को उनको कुछ कुछ दे दे के तो उसने तो बड़े बड़े इकतास देने चालू कर दिए नॉवल्स को इकतास को हेरिडेटरी बना दिया कि क्या तुम्हारा है तो आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चों का ही होगा उनसे कोई छीनेगा नहीं इससे नावल खुश हुए उलेमा खुश हो गया उलेमा को खुश करने के लिए उसने इस्लामिक लॉ इम्पोज़ कर दिए उमा उसको क्या चाहिए कि उनकी सारे लोग बात सुने उनके लॉज को फॉलो करें तो फिरोशत तुगलक ने इस्लामिक लॉ को जनता के बीच में फॉलो करवा दिए सोन द नावल्स एंड उलेमा ग्रूप पावरफुल और धीरे धीरे करके उलेमा और नावल बहुत पावरफुल बन गए और ये सल्तनत की पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस प्रभाव डालने लगे फिरोज शाह न्यूमरस रिबेलियन और फिरोज शाह के रीन में बहुत सारे रिबेलियन हुए बहुत सारे गवर्नर थे चीफ थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया उसमें बिहार और बंगाल के गवर्नर में थे और सुल्तान इनको प्रॉपरली सप्रेस नहीं कर पाया फिरोज द रिफॉर्मर फिरोज शाह को बचा रिफॉर्मर किंग भी बोला जाता था ये मार्कर क्वेश्चन है He did much for his people. उसने अपने लोगों के लिए बहुत किया बहुत सारे कैनाल्स मतलब नहरें बनवाई टैंक बनवाए कुएं बनवाए मतलब कैनाल का मतलब होता है नहर टैंक का मतलब होता है बड़े बड़े तालाब नीट टैंक मतलब ये होता है कि आसपास ज़मीनों को खोते ना और पॉन्ड का मतलब होता है बड़े बड़े तालाब है ना टैंक छोटे होते हैं पॉन्ड्स बड़े होते हैं वेल का मतलब होता है कुएँ हॉस्पिटल अस्पताल रेस्ट हाउसेस बनवाए उसने न्यू टाउन से इस्टबलिश करवाए जौनपुर फिरोजा फिरोजाबाद हिस्र फिरोजा नए टाउन एस्टेब्लिश करवाए जौनपुर फिरोजपुर फिरोजाबाद हिसर फिरोजा अभी याद रखना बच्चा पूछा जाएगा कि हु एस्टेब्लिश न्यू टाउन्स जौनपुर फिरोज़ा फ़िरोज़पुर फ़िरोज़ाबाद हिस्र फ़िरोजा तो क्या बोलोगे फिरोज शाह फिर पूछा जाएगा फिरोज शाह ने कौन से चाय टाउन बनाए तो आपको पता होना चाहिए जौनपुर फ़िरोज़पुर फ़िरोज़ाबाद हिस्सर फिरोजा उसने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनवाए बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन और अरेबिक में ट्रांसलेट करवाया इनकी डेथ हुई तो जो एम्पायर थी वो पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई बहुत सारे रीज़न इंडिपेंडेंट हो गए द सल्तनत बहुत रिड्यूस टू डेली और जो दिल्ली सल्तनत का इतना बड़ा एरिया फैल गया था अब दिल्ली अकेला सल्तनत बन के रह गया और थोड़े बहुत सराउंडिंग एरिया इसके पास थे पर पूरा एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया फिर की डेथ के बाद सो स्टूडेंट आई अमेंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली फैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन और अभी भी कोई पेज रह गया है बेटा तो फोटो सेंड कर देना ठीक कोई बात